दिवाली, हैप्पी धनतेरस। कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है यहाँ पे? क्यों क्यों मजा आ रहा है? राम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, पहले ये सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कितने लोगों को पता है महाभारत और रामायण की कहानियाँ? सबको बताऊँगी। कोई एक कैरेक्टर जिस किसी का फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत से? नहीं बताइए। कृष्णा, भीम, नहीं, अर्जुन, रावण। रावण किसका फेवरेट है? ओ माय गॉड, वेरी गुड। वो भी अच्छी बात है क्योंकि रावण भी बहुत ज्ञानी थे। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों राम जी को मतलब इतना हीरो मानते हैं? क्यों मानते हैं? हमें कुछ तो स्पेशल होगी ना, भगवान है। हाँ वो तो है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ स्पेशल किया होगा। तो रामचंद्र जी जो थे वो किंग दशरथ के बेटे थे, और जब से वो बॉर्न हुए थे उनका जो जन्म ही था वो किसी स्पेशल रीज़न के लिए हुआ था, और उनको ये पता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बचपन से इतने सारे मतलब काम किए हैं। कुछ कुछ पता है आप लोगों को रामायण के बारे में? गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। ये जो से कोई नहीं बोला, जो से कोई नहीं बोला, क्या बात है? ये तो कब से और कौन सब, ये जब से ये प्रोग्राम शुरू है ना तब से लेके कोई सो रहा है, है ना? सबसे अच्छे भगवान की तरह बैठे हुए कुछ दोस्त मैं देख रहा हूँ, और जो लोग सुन भी रहे हैं लेकिन स्माइल नहीं कर रहे हैं, हंसत नहीं है। गोल कौन हंसत है? कौन हंसत है? हर सकता है इकड़े बस होना कुर्सी हो, ठीक है? चला जोरा बोला साहब ने बोलो, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, हुंडीर मामा की। अभी लगता है प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे अच्छा स्माइल किसका है? देखा, बाकी किसी का नहीं है, इसको बोलते कॉन्फिडेंस, है ना? और किसका है? कौन हंस सकता है जोर से? उसको एक चॉकलेट है, है? कौन कौन है? अरे मैं सबको देख रहा हूँ, सब लोग हंस रहे हैं चॉकलेट का नाम लेने के बाद। ओके, सो ध्यान में रखेंगे, ठीक है? सब लोगों को सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले आईने में देख के स्माइल करना है। कैसे? ये कौन बोला? ई नहीं करने का ही। अच्छा, दांत कौन कौन घसता है? सब लोग घसते, सब लोग घसते, सब लोग घसते ना दांत। अच्छा, एक एक कोई तो ऊपर आए, एक कौन आए? जरा आ जाओ। तेरा नाम क्या है? जॉन्स। वेरी गुड। अब जॉन्स बताया दांत कैसे घसते, कैसे घसते बेटा? सब ऐसे घसते हो? नहीं, वेरी गुड। कौन कौन बोला? कौन बोला नहीं? हाँ वेरी गुड। हाँ बेटा, कैसे घसते हो आप दांत? ऐसे घसते हो आप? नहीं, ब्रश दांत। सब लोग दांत घसते हो ना? परफेक्ट। चलो बैठ जाओ, मैं बताता हूँ दांत है कि नहीं। अभी आप लोगों को टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट में बताते ऐसे घसते हैं, ऐसे नहीं घसते हैं दांत, ऐसे घसे जाते करें, है ना? सब लोग अच्छी अच्छी बातें याद रखनी। मेरा नाम क्या है? पहचान कौन? क्या नाम है? हाँ, तो पहचान कौन? अंकल ने क्या बताया था? दांत ऐसे घसना है, और सबसे पहले उठ के क्या करना है? हंसना, स्माइल देना है, ठीक है? और कभी भी किसी भी अच्छी चीज पे हंसना है, ठीक है? एक दूसरे को हंसाना है, ठीक है? एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखो, बीइंग हैप्पीनेस इज अ की ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है? ये इंग्लिश में बोला मैं, आप कितने लोगों को पसंद आती है इंग्लिश? वाओ, फैंटास्टिक है, क्या बात है? देखो इंग्लिश, वाओ, क्या बात है? ये एंजेलिना जोली जी वैसे भी दिखती है, आज सीधे जोरदार ताली है इसके लिए, इंग्लिश में सब कुछ। वेरी वेल डन, बैठ जाओ। अच्छा, अब मैं कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? कौन बोले? शाहरुख खान, सलमान खान, बोला तेरा?
ये वरुण धवन है। और कौन बोला? अमरीश पुरी। अमरीश पुरी कौन बोला? एक टकलू। अच्छा ठीक है, मैं सभी लोगों की आवाजें आपके लिए निकालूंगा, ठीक है? अच्छा, सारे एक्टर्स बढ़िया भी वही एक्टर की जैसे स्टार्ट होती है, पता है? वो बता नहीं, सबको बता रहा हूँ। शाहरुख खान ने अपनी गाड़ी को अभी बर्थडे के दिन पुरानी गाड़ी को स्टार्टर मारा, तो गाड़ी शाहरुख की आवाज में स्टार्ट होती है। शाहरुख ने स्टार्टर मारा, अरे मजा है तो तालियां देना। अब हर स्टार, हर फिल्म स्टार, हर विलन अपने गाड़ी को स्टार्टर मारेगा। शक्ति कपूर विलन है, बदमाश कहीं का। शक्ति कपूर अपने गाड़ी को स्टार्टर मारता है, उसकी बदमाशी वाली गाड़ी स्टार्ट होती। आओ आओ आना आओ। अमरीश पुरी कौन बोला था? अमरीश पुरी यहाँ पे तेरी गाड़ी स्टार्ट होती है। अमरीश पुरी वाली, अमरीश पुरी की गाड़ी स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है? ओए ओए ओए। अब एक गाड़ी है सुनील शेट्टी की गाड़ी, सुनील शेट्टी एक गाड़ी ऐसी है, बहुत ही कमाल की गाड़ी, सैफ अली खान लेव लेव लेव। बस एक गाड़ी इतनी कमाल की है, एक गाड़ी है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की गाड़ी किन किया, इनको समझ में नहीं आएगी आवाज, पता है? जॉन अब्राहम की गाड़ी नहीं है, बाइक है। बाइक किसको समझ में आएगा उसको बोनस है, ठीक है? उसकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना, वो किक मारते हैं बाइक को, पता है क्या आवाज करती है? पुराने दिनों की याद आती है उसको। और बाइक को जब स्टार्ट मारता है, किक मारता है, तो क्या आवाज आती है? डिप्स डिप्स। मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जिसको समझ में आएगा उसके लिए बोनस है। वेरी गुड, पीछे वालों को समझ 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 वेरी गुड। एक गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है, अशोक कुमार की गाड़ी। अब इनको स्टार्टर से काम नहीं चलता, चाबी से काम नहीं चलता, उनको धक्का भी मारना पड़ता है। ये गाड़ी बहुत ही कमाल की गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट होने से मना करती है, ना 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 ना। और एक गाड़ी बहुत ही खतरनाक, और एक गाड़ी है वो डीजल पिला है। अरे अरे और एक थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखो बच्चे लोग, क्या है ना, हम लोग कितने लोगों को मोबाइल मालूम है? मोबाइल सबको, तेरे को मालूम है? सबको मोबाइल मालूम है। ये मोबाइल के पहले ना लैंडलाइन टेलीफोन होता था, मालूम है ना? वो टेलीफोन के नंबर चेंज हो गए, पहले दो लगाना पड़ता है, वो दो, जिसको मालूम है उसको ठीक है, जिसको नहीं मालूम है उसके साथ क्या होता है बेचारा? दो लगाने के चक्कर में एक जन पीसीओ के सामने आ गया, पीसीओ के सामने जाके खड़ा हो गया एक, और रिसीवर उठाया, नंबर घुमाया, सिक्का डाला, कुछ सुना, जैसे कुछ सुना पीछे वाले को मुड़ के दो चाटे मारे, फाड़ फाड़, फिर सुनने लगा पीछे वाला परिजन, ए मार दे गए तेरे बाप को, काट देंगे मैं, मार दे को तेरे बाप को, काट देंगे। ए चुप, चिल्लाता है काय को, ये फोन में बोल रहा है, पहले दो लगाओ बाद में नंबर घुमाओ। उसने दो लगा दिए। ऑलराइट, और क्या होता है ना, एक बच्चा, बहुत बहुत बच्चे शरारती होते हैं,
एक बच्चा एक पत्थर के पेड़ को मार रहा है, आम गिरा निकले, इमली गिरा, और क्या बोलता, हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छा हैप्पी होली भी कर दूं मैं आपको? नहीं ना, अभी सब इंटेलिजेंट हो गए। नवीन ने सबको इंटेलिजेंट करा। कैसा लगा नवीन प्रभाकर का जो भी इन्होंने किया, कैसा लगा? अच्छा लगा ना, तो एक बार जोरदार तालियां। अच्छा बिग बॉस कौन कौन देखता है? सब लोग बिग बॉस देखते। अरे बाप रे, तो आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते होंगे। देखा हुआ है? ज्यादातर ही देख लिया ना, थोड़ा बहुत देखा है ना, अच्छी चीजें देखी है ना, बहुत लड़ाई झगड़े तो नहीं देखे ना। चलो आज अच्छी अच्छी चीजें करेंगे यहाँ पे। डांस किस किस को पसंद है? बाकी किसी को पसंद नहीं है? सब लोग उठ के पीछे चले जाओ जिनको पसंद नहीं है। जिन जिनको डांस पसंद नहीं है वो यहाँ से चला जाए पीछे, और जिन जिनको डांस पसंद है वो खड़े हो जाओ। जिसको भी डांस पसंद है, नहीं अच्छा लगता, नहीं डांस किसको नहीं अच्छा लगता, मैं मान ही नहीं सकती इन सबको। ये सब लोग अच्छा डांस करते हैं, अच्छा करते ना, फिर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जरा देखे चलो हो गया, हो गया। तो कैसा अनुभव था बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना? बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चों को ऑलरेडी रामायण और महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता है, तो ये जान के बहुत खुशी होती है मुझे। और ये बताइए कितना उमंग, कितना जोश देखा इन बच्चों में आपकी बातों में? बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक इट वॉज क्वाइट एन इंटरेक्टिव सेशन, तो मतलब उसी से काफ़ी अच्छा लगा हमें कि बच्चे भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे। गाना जी, अपने भी अपने गाने से लोग मंत्रमुग किया गया, काफ़ी लेट आए हालांकि, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो गई मैं, और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, बताइए कितनी खुशी मिली आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में, हमेशा एक दिल में ख्वाहिश रहती है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनके साथ रहूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है, मुझे लगता है हर इंडियन को, आई बिलीव हर फैमिली से एक एक जने को आके बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इतने सारे पटाखों पे यू नो खर्चा करने से पहले थोड़ा सा अमाउंट अगर हम चैरिटी कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सबको बताना है चैरिटी करने के लिए, लेकिन हर बच्चा अगर दिवाली में एक मुस्कुराहट के साथ खुश होता है तो मेरे लिए वो दिवाली सबसे ज़्यादा शुभ और कामयाब होती है। क्रिएटिव पर्सन तो आप हैं, अगर समाज के लिए कुछ करना हो तो किस तरह से समाज के लिए आप कुछ करेंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना चाहूँगी, उनको इंडिपेंडेंट कराना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि हर लड़की अपने पैरों पर खड़ा हो, काम करे और प्राउडली कहे कि यू नो वुमेन पावर। आपसे ही पूछना चाहूँगा कि मतलब ऑथर तो सक्सेसफुल आप हैं, सोसाइटी के लिए उठाना चाहे तो क्या करेंगे, किस दिशा में काम करेंगे आप? मैं जो मैं कर रही हूँ सोसाइटी के लिए ही है, खासकर हमारी जो इंडियन इतनी रिच हेरिटेज है, मैं चाहती हूँ कि इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखें, क्योंकि उसी में सब कुछ है, आज जो भी है भगवद गीता है या रामायण है उसमें काफ़ी सीखने को मिलता है, और बस यही है। आगे कौन सी बुक लाने वाले हैं? काफ़ी बुक्स हैं, काफ़ी प्रपोजल्स हैं, बस बच्चों के लिए, और उसमें से मतलब अपनी हिस्ट्री लिखना चाहूँगी। आप क्या एल्बम या कोई सॉन्ग आ रही है? हाँ जी, सेकंड मेरी एक एल्बम आ रही है, बहुत जल्दी है, आप लोग बहुत जल्दी उसको सुन पाएंगे और देख पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग वापस पहले एल्बम की तरह जल्दी जैसे सबको बहुत अच्छा लगा था, सेकंड एल्बम भी सेकंड गाना सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये फोटो बन गया है?
नवीन एंड समर कैसी फीलिंग्स रही बच्चों के साथ एंजॉय करके यू नो इतना सब कुछ डांस वांस मस्ती और कॉमेडी हर चीज हुआ। आप सभी लोगों ने देखा कि बच्चों के साथ मस्ती करना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मस्ती के साथ साथ बच्चे और ज्यादा एंजॉय करते हैं ना तो हमें भी बहुत ज्यादा मजा आता है। जिस तरह से सेल्फी लेते रहे तो बच्चे लिटरली ऊपर ही कूद गए थे, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर बढ़िया दिवाली हमारे लिए तो कोई और नहीं हो सकती। वी हैव रियली एंजॉयड। क्या बोलते हैं असली असली दिवाली के दीप तो इनकी स्माइल है, इनके इनको देख के जितना मजा लिया हम लोगों ने, और इससे ज्यादा डबल मजा तो उनको आया होगा आई एम श्योर कि उनके हम किसी काम आ सके। और दीपावली के शुरुआत और शुरू के पर्व में ये हमारे सामने ऐसे खुशियों के पल इनके साथ बिताना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे टीम का जो एनजीओ है आशा दीप, और इसी तरह आशा के दीप उनके मन में जलाते रहे, हमारे लिए भी जलते रहे, यही उम्मीद है। बहुत सारे एनजीओस के इवेंट्स में रेगुलरली जाते हैं। जी जी, पिछले 7-8 साल से एक इट्स यू नो वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी व्हाट आई फील। सो जिस स्कूल से हम लोग हैं वहाँ पर यही शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी कि यू नो जो आपको ऊपर वाले से मिला है कुछ अंश अगर आप दे सके तो बहुत बेहतर उपलब्धि है आपके लिए। सो हम जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट। मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरी आज तबीयत हो गई है, लेकिन स्टिल मैंने बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया बिकॉज जिस तरह से ये लोग डांस कर रहे थे ना, नए नए स्टेप्स तो मैं भी देख रही थी कि अच्छा मुझे भी करने के लिए मिल रहे हैं। प्लस धीरे धीरे यू नो ये लोग अपना जो थोड़ी सी शर्म होती है ना, थोड़ी सा एक शायनेस थी वो इनकी निकलती गई, और धीरे धीरे मैंने देखा कि ओ ओके ओके अच्छा अच्छा धीरे, और उसके बाद मैं नीचे थी और ये लोग सब ऊपर थे। तो मेरे ख्याल से हाँ मैं मतलब जैसे जैसे ये इन्जॉय कर रहे थे ना उससे दुगनी इन्जॉयमेंट हमारे लिए थी, और इसी तरह से मैं कहती हूँ ये बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ रहें, दिवाली नहीं हर हर दिन इनके लिए दिवाली हो, ये हमारी आशा है। प्रोफेशनली आप एक एल्बम लेके आए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एल्बम हो गया मेरा। कौन सी एल्बम? हाँ वो तो मैं कौन सी एल्बम मीडिया वालों को ज़्यादा मालूम है। एल्बम नहीं, मैं फिल्मों में आ रहा हूँ, और किलिंग वीरप्पन इज़ माई अपकमिंग नेक्स्ट एंड इज़ कमिंग 4 languages. किलिंग वीरप्पन राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन से बनी हुई फिल्म है, और ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और उसमें मेरा काम मेरा किरदार एक अहम किरदार है, और देख के मज़ा आएगा, और कई लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा कि यही नवीन प्रभाकर है। थैंक यू। Life has actually really been kind. It's very strange. Even up until 4 years ago, I never thought that I would be an actor and I would reach here.